क्लास फोर सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वन चल रहा है हमारा फैक्टोरियल नंबर और उसमें एक नया टॉपिक आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यानी हमें कुछ डिजिट्स दी हुई है, हमें उनसे नंबर बनाने हैं। फाइव डिजिट दी हुई है, हम फाइव डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाएंगे और ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे लेकिन हम दो तरीके के नंबर बनाएंगे, एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। देखिए, टू मेक ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, फाइव डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए विद द गिवन फाइव डिजिट, अगर आपको फाइव डिजिट दी हुई है और उससे आपको फाइव डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, वी राइट द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उन डिजिट्स को किस ऑर्डर में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी डिजिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, देखिए हमारे पास डिजिट्स दी हुई है 8, 6, 2, 3, 4, इनसे हमें फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले इन फाइव डिजिट्स को हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 8, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट 6, फिर उससे 6 से छोटा डिजिट कौन सी है? 4, फिर 4 से छोटा क्या है? 3, और फिर सबसे छोटा 2। तो हमने देखी सारे के सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में सेट कर लिया है। सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब इनसे हम नंबर कैसे बनाएंगे? देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इन डिजिट्स को जिस ऑर्डर में हमने सेट किया है उसी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं इनको। 8, 6, 4, 3, 2। फाइव डिजिट का नंबर है, फर्स्ट पीरियड साइन यहां पर लगेगा, ये 100 और 1000 के बीच में। तो हमारा नंबर क्या बना? 86,432। ये ग्रेटेस्ट नंबर बना है। कैसा नंबर बना है? ये ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम दी हुई फाइव डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, ये आपका एन एक्टिविटी का एक क्वेश्चन है और उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर बनाने हैं। तो हमने देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है, अब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, टू मेक स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर विद द गिवन फाइव डिजिट, अगर आपको फाइव डिजिट दी हुई है और उससे आपको सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? वी राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखते हैं हम इनको? असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर आगे चलकर सबसे बड़ी डिजिट। तो देखिए, ये आपके एन एक्टिविटी का एक क्वेश्चन ही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाया था, अब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। डिजिट्स दी हुई है देखिए 8, 6, 2, 3, 4, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं और इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 2। उसके बाद 2 से बड़ी डिजिट 3, 3 से जस्ट बड़ी डिजिट 4,
स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, इन डिजिट्स को ऐसे के ऐसा ही हम लिख देंगे। देखिए कैसे, 2, 3, 4, 6, 8। और आपको पता है कॉमा कहाँ लगाना है, यानी पीरियड साइन कहाँ लगाना है, या 1000 और 100 के बीच में, यानी वंस पीरियड ग्रुप के बाद। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 23468। इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें इन डिजिट्स में कहीं ना कहीं जीरो दिया हुआ होता है। अगर जीरो दिया हुआ हो तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए। इसके लिए हम एन एक्टिविटी का सी एग्जांपल में ले लेते हैं, सी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, सी क्वेश्चन डिजिट्स दी हुई है 1, 3, 0, 6, 8। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। जो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 8, फिर 6, फिर 3, फिर 1 और फिर 0। ये डिजिट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, इन डिजिट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये है ऐसे कैसे लिख देते हैं, देखिए 8, 6, 3, 1, 0 और कॉमा का लगाना है हमें 1000 और 100 के डिजिट के बीच में। यहां हमारा नंबर क्या बन गया, 86,310। ये दी हुई 5 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बना है। अब देखिए हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर जीरो आ जाती है तो स्मॉलेस्ट नंबर हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे इसमें। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0। इसके बाद 0 से बड़ी डिजिट 1, फिर 1 से बड़ी डिजिट 3, फिर 3 से बड़ी डिजिट 6 और फिर 8। ये 5 डिजिट का हमने असेंडिंग ऑर्डर बना दिया, या 5 डिजिट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। अब अगर देखिए हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं इस तरीके से, 0, 1, 3, 6, 8। तो ये जो नंबर है ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा, क्योंकि सबसे आगे जो 0 है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये 5 डिजिट के बजाय 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 1368। ये 5 डिजिट का नंबर नहीं बना, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बनाए हम, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है। हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी डिजिट है, यहां पर देखिए सबसे छोटी डिजिट, फर्स्ट जो सबसे छोटी डिजिट है वो कौन सी है, 0, और सेकंड जो 0 से बड़ी डिजिट है या 0 से जस्ट बड़ी जो डिजिट है वो कौन सी है, 1। हम इनको आपस में बदल देंगे। इनको आपस में कैसे बदल देंगे, देखिए, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो इनको आपस में कैसे बदलेंगे, देखिए, सबसे पहले 0 से जस्ट बाद अगर जो बड़ी डिजिट दी हुई है, जैसे 1 नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 0 से जस्ट बाद कौन सी बड़ी डिजिट है, 3, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 1, तो 0 के जस्ट बाद बड़ी डिजिट कौन सी है, 1, उसको हम पहले लिखेंगे।
यानी सेकेंड वाले डिजिट को पहले लिखा और उसके बाद जीरो लिखा, उसके बाद जीरो लिखा, इनको आपस में बदल दिया, वन को पहले और जीरो को बाद में, जीरो से जस्ट बाद जो बड़ी डिजिट है उसको पहले लिखा फिर जीरो को लिखा और बाकी की डिजिट ऐसे के ऐसे हमने उतार दिया। यहां पर हमने लिखे पीरियड साइन लगाया, कॉमा लगाया और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया 10,368। ये फाइव डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। कैसा नंबर बन गया? ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है फाइव डिजिट का। अब देखिए इसमें जीरो भी यूज में लिया गया है, जीरो भी यूज में लिया गया है और जीरो का यहां पर कोई ना कोई मीन निकलता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है क्योंकि जीरो यहां पर 10,000 बना है तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा फाइव डिजिट का। अगर जीरो आती है तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर नंबर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर नंबर क्या होते हैं? देखिए द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर। कोई भी नंबर जो दिए हुए नंबर के जस्ट बाद आता हो वो कैसा होता है? सक्सेसर नंबर होता है। और हम इसे यह भी कह सकते हैं वन मोर देन गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया हुआ है उससे एक ज्यादा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले आपको दे रखा है 25, तो 25 का सक्सेसर नंबर कितना होगा? 26। 25 का सक्सेसर नंबर क्या होगा? 26। अब ये 26 जो है 25 से एक ज्यादा है और 25 के जस्ट बाद वाला नंबर है। इसी तरीके से अगर फाइव डिजिट में पूछा जाए, जैसे एस सीजर ऑफ, अगर आपको नंबर दिया दिया जाए उससे पूछा जाए कि इसका सक्सेसर नंबर लिखिए 25,876, इसका सक्सेसर नंबर, तो देखिए 76 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 77। तो आप लिख सकते हैं सीधा ही 25,877, ये इसका सक्सेसर नंबर है। या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखिए 25,876 प्लस वन, जैसे मैंने आपको बताया वन मोर देन द गिवन नंबर, हमारा गिवन नंबर कौन सा है? 25,876 और इसका वन मोर कितना हो जाएगा? 25,877। जब हम इसमें वन प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25,877। इस तरीके से हम ये सक्सेसर नंबर निकालेंगे। या आपकी ओ एक्टिविटी है, ओ एक्टिविटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए डी क्वेश्चन, ओ एक्टिविटी का डी 90,000 दिया हुआ है। अब 90,000 का सक्सेसर नंबर, सक्सेसर नंबर क्या होगा? देखिए सक्सेसर नंबर क्या होगा? 90,000 प्लस वन कितना हो जाएगा? ये 90,001, ये 90,000 का सक्सेसर नंबर हो जाएगा। वन मोर देन गिवन नंबर 90,000 से एक ज्यादा। इसी तरीके से देखिए प्रीडिसेसर नंबर है। प्रीडिसेसर नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया हुआ है उससे जस्ट पहले आने वाला नंबर वो क्या कहलाता है? आपका प्रीडिसेसर नंबर। या हम इसको क्या कह सकते हैं? वन लेस देन द गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम, वन लेस करके। देखिए कैसे
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यही एग्जांपल लेते देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा 25, तो 25 का प्री डिसीजन नंबर क्या होगा? 25 से जस्ट पहले आने वाला नंबर कौन सा है? 24। तो ये 25 का प्री डिसीजन नंबर हो गया। 25 से 1 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और ये इसका प्री डिसीजन नंबर है। या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा प्री डिसीजन, प्री डिसीजन ऑफ कितने का? 58,490 कितना होगा? इसमें से वन लेस करते हैं, वन लेस करने पर कितना आएगा? देखिए जब आप इसमें से वन लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 58,489। ये इसका प्री डिसीजन नंबर हो गया। चाहे वन लेस कर दें या आप ये देख सकते हैं 90 से पहले क्या आता है? 89। 90 से जस्ट बिफोर पहला नंबर कौन सा है? 89। इसलिए 58,490 से जस्ट पहले क्या आएगा? 58,489। और यही क्या होगा? इसका प्री डिसीजन नंबर होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहां ले लेते हैं दोबारा से। डी क्वेश्चन है 90,000 का प्री डिसीजन नंबर। प्री डिसीजन कितना होगा? हम क्या करते हैं 90,000 में से वन लेस कर देते हैं। 90,000 में से वन लेस कर देते हैं। जब 90,000 में से वन लेस करेंगे तो आपका प्री डिसीजन नंबर कितना आएगा? 89,999। ये इसका प्री डिसीजन नंबर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आप 89,999 में वन प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। इसका मतलब हमने ये प्री डिसीजन नंबर सही निकाला है। तो इस तरीके से हम दिए हुए नंबर का सक्सेसर नंबर और प्री डिसीजन नंबर निकालेंगे। आपके एक्टिविटी ओ में ये डी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, ये डी 90,000 वाला। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्किप काउंटिंग इन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। स्किप काउंटिंग यानी हमें आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करना। अब देखिए अगर हमें दिए हुए नंबर से 10 आगे चलना हो या 10 मोर देन द गिवन नंबर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? वी ऐड ज्यादा हो, यानी
25,470 से आगे हमें 25,480 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो टेंस वाली डिजिट है, टेंस वाली डिजिट कौन सी हो गई, 7, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट कौन सी हो गई इसकी 7, और इसमें हम प्लस 1 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, और इसको 8 को हम आपस में यहां से चेंज कर देते हैं, 7 की जगह क्या रख देंगे 8, और हमारा नंबर क्या बन जाएगा 25,480, इस 7 के बजाय हमने क्या रख दिया 8, तो ये क्या हो गया 10 more than the given number, यानी 25,480 is 10 more than 25,470, या उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, 25,470 हमें क्या चाहिए, 10 more चाहिए, 10 more, और ये यहां तक की देखिए 10 तक की डिजिट है, वंस टेंस, तो हमें क्या करना है, 10 more चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 10 करेंगे, सिंपल सा तरीका है, 25,470 से 10 ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे, 70 है, 10 ज्यादा चाहिए तो 10 ऐड करेंगे, और 10 ऐड करने के बाद क्या आएगा, 25,480, आप अगर ऐसे ऐड नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए, और मैंने यहां पे 10 ऐड किया, 00071845 ऐसे कैसे, और 2 ऐसे कैसे, 25,480 आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें स्किप काउंटिंग करनी हो 10 की तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे 360 दिया हुआ है तो स्किप काउंटिंग किसकी, 10 की, यानी 10 मोर देन हमें करता हुआ चलना है, देखिए 360 प्लस 10 326, फिर 336, फिर 346, फिर 356, तो ये देखिए 10 मोर देन 316 कितना होगा, 326, 10 मोर देन 326 कितना होगा, 336, 10 मोर देन 336 कितना होगा, 346, और 10 मोर देन 346 कितना होगा, 356, इस तरीके से हम 10s की स्किप काउंटिंग कर रहे हैं। अब देखिए अगर आपको 100 मोर देन यानी 100 की स्किप काउंटिंग करनी पड़े तो क्या करेंगे, हम देखिए इसी तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है हमें 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, और उससे हमें 100 मोर देन द गिवन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे उसकी 100 प्लेस पर या 100 की पोजीशन पर जो डिजिट है उसमें क्या करते हैं हम 1 ऐड कर देंगे। देखिए किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25,694 हमें कितना चाहिए, 100 मोर देन गिवन नंबर, 25,694 चाहिए हमें, 25,694 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इससे 100 ज्यादा वाला नंबर निकालना है, 100 ज्यादा वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 100 की डिजिट पर, ये देखिए 100 की प्लेस पर 1s 10s 100, ये 1s पर 4 है, 10s पर 9, 100 पर 6, 1000 पर 5 और 10,000 पर 2, 100 की प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 6 जो है 100 की प्लेस पर है, इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, देखिए 100 प्लेस डिजिट क्या है,
6, और हमने इसमें क्या कर दिया 6 प्लस 1 कितना कर दिया 7, तो ये आ गया 7। हमारा 100 मोर नंबर कितना बनेगा, यानी 25,694 से 100 ज्यादा नंबर कितना बनेगा 25,000। 100 की प्लेस पर पहले 6 था, अब हम क्या रखेंगे 7, 7,794। ये इससे 100 ज्यादा है। आप अगर चेक करना चाहें तो 25,794 में से जब आप 25,694 को लेस करेंगे यानी घटाएंगे तो 100 आएगा। इससे आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका सीधा सीधा क्या है, 25,694 इससे हमें 100 ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 100 प्लस कर देंगे, और 100 प्लस करने के बाद क्या आएगा 25,794। ये इसकी स्किप काउंटिंग हो गई, और हमें इसकी अगर और ज्यादा स्किप काउंटिंग करनी है तो देखिए कैसे करेंगे, 25,694, 25,794, 25,894, 25,994। ये देखिए 25,794 क्या है, ये 100 ज्यादा है किससे, 25,694 से। और देखिए 25,894 किससे ज्यादा है, 25,794 से 100 ज्यादा है। और यहां पर भी देखिए 25,994 100 ज्यादा है किससे, 25,894 से, ये 100 ज्यादा है। आप पता भी लगा सकते हैं जब इसमें से आप 25,794 में से 25,694 को लेस करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब हमारा नंबर कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो इस तरीके से हम इसके स्किप काउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 1000 की स्किप काउंटिंग। अगर आपको दिए हुए नंबर से 1000 मोर एक नया नंबर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसमें जो 1000 प्लेस पर जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25,694 है और 1s पर इसमें 4 है, 10s पर 9, 100 पर 6, 1000 पर 5 और 10,000 पर 2, तो 1000 की पोजीशन पर कौन से डिजिट है, 5। 1000 प्लेस डिजिट, प्लेस डिजिट कौन सी है, 5। और अगर आप इसमें 5 में 1 ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, 5 को रिप्लेस करना है किससे, 6 से। नया नंबर क्या बनेगा, 26,694। आप 26,694 में से जब 25,694 को लेस करेंगे तो 1000 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा दिए हुए नंबर से 1000 ज्यादा है। इसका एक सीधा तरीका ये भी है, 1000 मोर नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो 25,694 में क्या कर दीजिए, 1000 को प्लस कर दीजिए। जब आप 1000 प्लस करेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 26,694। ये आपका 1000 मोर यानी 1000 ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो यहां पर 26,694 इज 1000 मोर देन
25,694 है। इसकी स्किप काउंटिंग कैसे चलेगी देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से 25,694, 26,694, 27,694, 28,694 और 29,694। जब आप इसमें देखेंगे इन सभी नंबर्स में सिर्फ 1,000 का डिफरेंस मिलेगा। 26,694 जो है 1,000 ज्यादा है जिससे 25,694 से। इसी तरीके से इन सभी में 1,000 का डिफरेंस है, ये 1,000 की स्किप काउंटिंग होगी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर पी जिसके अंदर टेंस की स्किप काउंटिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर क्यू है एक्टिविटी क्यू जिसके अंदर आपको 100 की स्किप काउंटिंग करनी है, और क्वेश्चन नंबर आर है जिसके अंदर आपको 1,000 की स्किप काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से ये आपको पी क्यू आर एक्टिविटी कंप्लीट करनी है जिसमें दो दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। थैंक यू।